चक्षुः पुनः प्राणविप्रणम् पुनः प्राणविहोदय इतोभम् ज्योतिपश्येम सूर्यमुच्छिदम् धनुमते मणियाः स्वस्ति असुनीते पुनरस्मात् चक्षुः पुनः प्राणविहोदय इतोभम् ज्योतिपश्येम सूर्यमुच्छिदम् धनुमते मणियाः स्वस्ति अमृतम् वै प्राणाः अमृतमाप प्राणानि यदा स्थानम् पक्वते उसके बाद इस मंत्र में मिशन के लिए विद्या में एक विशेषता आज तक किसी भी मंत्र को तीन अलग से तरह नहीं है लेकिन सुषुम्नी विद्या में एक बात याद रखने की बात है सुषुम्नी विद्या स्त्रियों की अलग मंत्र है और पुरुषों की अलग मंत्र है इस बात का ध्यान रखें बुद्ध संजीवी इप्पटि वरकु नेनु ए विद्यलो कूडा स्त्री पुरुष भेदं लेकुंडा मंत्रालंदरिकी उपदेशिंचानु कानी बुद्ध संजीवी ई विद्यलो शुक्र संजीवी विद्य तर्वात కజుడు చెప్పిన ఇంకో విద్య రెండింటిలో స్త్రీ పురుష భేదం మంత్రాలు ఉంది కాబట్టి స్త్రీలు చేసే మృత సంజీవి విద్య యొక్క మంత్రం వేరు పురుషుల యొక్క మంత్రం వేరుగా చెప్పబడింది కాబట్టి వేరు వేరు మంత్రాలు ఇస్తాను మీరు వేరు వేరుగానే రాసుకోండి పహలే పురుష లోక్ జో మృతసంజీవి విద్య కా మంత్ర ఇస్ యంత్ర కే సామ్నే కరే జో పాంచ్ మహారాజ శ్రావణ మాస మే హర్ రోజ్ కరే రుద్రాక్ష కో ధరణ కరే కలే మే परंतिका को ऐसे उस यंत्र के ऊपर रखें और इसको पांच महाराएं आपके साथ सभी महाराज के लिए उस महाराज से मंत्र करें तो इसमें जो पुरुषों का मंत्र है पहले बोल रहा हूँ पहले पुरुष इस मंत्र का उच्चारण करें जो मैं मंत्र बोल रहा हूँ पुरुष मंत्र में उच्चरी मंत्री उच्चरी तरह रात स्थान उच्चरी केवल पुरुष पुरुष जीवनी मंत्र ह्रीम ओम ओम ऐम ऐम ओम ओम वज्रवैरोचनीये वज्रवैरोचनीये फट स्वाहा फट स्वाहा ओम ह्रीम ओम ओम ऐम ऐम ओम ओम वज्रवैरोचनीये वज्रवैरोचनीये फट फट स्वाहा स्वाहा ह्रीम ह्रीम ओम ओम ऐम ऐम ओम ओम वज्रवैरोचनीये वज्रवैरोचनीये फट फट स्वाहा स्वाहा इसमें ह्रीम ओम ये रुद्राक्ष है ऐम विजयाक्ष सरस्वती बीज है और ओम वज्रवैरोचनीये पारमिता है और फट स्वाहा ये महापुरुष इंद्र है इसकी पुरुष याद रखें इसमें कौन से स्थान किस किस को दिया गया है ये इसलिए ध्यान रहना चाहिए कि हम हमारे साथ लेते समय क्या लेना चाहिए रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए पारंपरिका के अपने साथ रखें वह हम ये जो हम घर में रख सकते हैं पारंपरिका को जब भी हम सिद्धार्थन के लिए ऐसे कोई महापाणी मार्ग पर जाए या ऐसे कोई देवता की जो कठिन तपस्या है उसे हम पारंपरिका को प्रदान करते हैं ये पुरुषों का मंत्र है स्त्रियों का मंत्र है केवल स्त्री बोले ओम श्राम श्रीम श्रूम स्रह नमः ओम श्राम श्रीम श्रूम स्रह नमः ओम श्राम श्रीम श्रूम स्रह नमः इस मंत्र को हर एक श्रावण मास में सवा लाख रुपए प्रे कर ले सिद्ध भी कर सकते हैं या रोज पांच बार श्रावण मास में कर ले भीतर की है स्त्री और पुरुष दोनों के लिए सवा लाख मंत्र जप है या हर रोज पांच माला श्रावण मास का पूर्ण महीना या कभी भी सवाल आप मंत्र जप करके भी सिद्ध कर सकते हैं मंत्र उदय महाराज आपको भी लिखवाएंगे स्त्रियों को अलग और पुरुषों को अलग और उस मंत्र के बाद मैं आगे का कार्यक्रम आप सब समझाऊंगा आप सब लोग बैठ जाएं इनके सामने हर वर्ष साधन शिविर में भाग लेने वाले ऐसे शायद जो सामने आकर हर गुरुद्वारे में साथ देते हैं हर बार करें ऐसे में पुलगांव के शिव भवानी जी उनके गांव में राम मंदिर में साधना शिविर करने की इच्छा व्यक्त की है उन्होंने बहुत अच्छा विचार है मैं इससे पहले भी पुलगांव गया हूँ लेकिन इस बार मुझे शिविर करने की इच्छा
क्योंकि जिनके दोस्त साथी अच्छे हैं वो उनको चिंता नहीं का की भी इच्छा होती है, गुरु अच्छा होना तो बाद में होता है क्योंकि साथियों का भी अच्छा होता है। यहाँ नागपुर के सतपुड़े यहाँ कमरे के अंदर लगाए हुए हैं, वो तो बोलेंगे बोलेंगे इसलिए करना है गवाने के जवाब मानते हैं या नहीं ये तो मैं मानता नहीं, लेकिन मेरे कमरे में कमरे के अंदर लगाए हुए हैं इसलिए गवाने जी और गवाने जी सभी को यहाँ स्टेज पर बुलाता हूँ। और उनकी स्टेज का नाम है सीता वल्लभ साधना स्टेज का नाम जो राम मंदिर लगाया है, ये हनुमान स्थिति दिवस है, गवाने जी पति और पत्नी दोनों यहाँ स्टेज पर है। यह शिविर 13 अगस्त को पुलवामा में राम मंदिर में होगा। मैं दोस्त यात्री को आह्वान कर रहा हूँ वे पुलवामा में इस सीता वल्लभ साधना शिविर में इसकी चर्चा आपको बाद में साधना के लिए करवाऊंगा। जिस सीता वल्लभ की साधना से सिद्धि पाने वाले हनुमान इस संसार में कितने पूजनीय हैं हर ग्राम में ये आप सभी ने जानते हैं, इसलिए इस साधना शिविर का नाम सीता वल्लभ साधना शिविर रखा हूँ। पुलवामा के जी और उनकी पत्नी जो बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं और हर बार कार्य में गुरुद्वारे में अपनी ओर से I'm gonna
Oh, 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 oh